Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you will be fine. Today we are going to discuss our next lecture, how to write a chemical formula. Students, chemical formula kya hota hai? Humne compounded mixture ka difference padha, to wahan pe ek point tha representation. Compounds ko hum chemical formula se represent karte hain. जैसा कि एलिमेंट्स का पूरा नाम लिखने की बजाय हम प्रेफर करते हैं कि एलिमेंट्स के सैंपल्स लिख लिए जाएं, और कंपाउंड तो एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं. सो कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कलेक्शन ऑफ सैंपल्स होता है. लेकिन उन सैंपल्स को अरेंज करना, उन सैंपल्स को मॉडिफाई करना, हम केमिकल फॉर्मूला सैंपल से कैसे बनाते हैं, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ सैंपल्स. ये तो हमें पता है कि सैंपल से मिलकर बनता है, लेकिन किस तरतीब में लिखे जाते हैं? इस इमेज में Na पॉजिटिव पहले लिखा गया और Cl नेगेटिव बाद में. यही रूल है कि आपने केटाइन को पहले लिखना है और एनाइन को बाद में. वो वाला सैंपल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको पहले लिखा जाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको लेटर ऑन. फिर हम उनके ऊपर वैलेंसी मेंशन करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्लस वन या माइनस वन. जैसा कि CaCl2 में, CaO में हमने मेंशन किया, जो उसकी वैलेंसी है वो टॉप राइट कॉर्नर पर लिखी जाती है सैंपल के ऊपर. फिर उन वैलेंसीज को एक्सचेंज करवाया जाता है इस तरह से कि जो ऊपर लिखी हुई थी राइट कॉर्नर पे, वो दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी. अगेन कि जो एक एलिमेंट के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी हुई थी, वो दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ आ जाती है. इसको बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड. अगर वैलेंसीज दोनों की सेम हो, जैसा कि NaCl में, CaO में, तो ये वैलेंसीज ऑफसेट हो जाती है, मतलब हम इनको नहीं लिखते हैं, ये एक दूसरे से कैंसल ऑफ हो जाती है. अगर सेम हो वैलेंसी या दोनों की वन हो. फिर है अगर हमारे पास, पहले हमने कहा कि आयन है, केटाइन है या एनाइन है, सिंगल एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज होता था तो हम क्रॉस एक्सचेंज कर लेते थे. लेकिन अगर हमारे पास कोई आयन रेडिकल हो, रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज, जैसा कि PO3 हो गया, जैसा कि SO4 हो गया, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेडिकल होता है उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं. फिर वही क्रॉस एक्सचेंज वाला मेथड अडॉप्ट किया जाता है जो हम पिछले स्टेप्स 3 और 4 में कर चुके हैं, कि अगर सेम हो तो हम कैंसिल ऑफ कर देते हैं FeSO4 के केस में. लेकिन अगर सेम ना हो, जैसा कि फेरिक सल्फेट में, तो हम इनको राइट डाउन करते हैं. फर्क सिर्फ ये आएगा कि रेडिकल को ब्रैकेट में इनक्लोज करके ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं. फिर है सोडियम फॉस्फेट की एग्जांपल करते हैं. सोडियम के ऊपर वैलेंसी 1 होती है और फॉस्फेट की होती है -3. -3 का 3 आ जाएगा सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे, और सोडियम का 1 होता है, 1 होता है तो हम उसको मेंशन नहीं करते. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.